एएन स्मार्ट एजुकेशन सेंटर में आपका वेलकम। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। मैथ मेरा सब्जेक्ट मैथ है, जो आप लोगों को स्टैंडर्ड 1-8 तक का क्लास दूंगा। मैथ में सर्वप्रथम आप सभी को मालूम होगा कि नंबर के बारे में, मेन रूप से 0 से 9 ही बेस होता है, 0 to 9 अर्थात 10 नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अर्थात टोटल कितने नंबर हुए, 10 नंबर। टोटल 10 नंबर ही नंबर का बेस है। मैथ के लिए काउंटिंग और टेबल भी उतनी ही आवश्यक होती है। जब आप मैथ पढ़ेंगे तो उसके लिए टेबल टेबल एंड काउंटिंग काउंटिंग का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चाहे आप जिस स्टैंडर्ड के बच्चे हों। काउंटिंग में आप लोगों को कम से कम स्टैंडर्ड हाई क्लास के बच्चे के लिए कम से कम काउंटिंग में 1 से 20 तक 1 to 20 काउंटिंग में 1 to 20 कंठस्थ होनी चाहिए। टेबल में कम से कम 1 to 9 एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, इसमें बेहिचक होनी चाहिए। इसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि हम उसके लिए सोचें, अगर उसमें सोचेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। हमें सभी काम फास्टली करनी है। हमें कंपटीशन की तैयारी में, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं काउंटिंग का, काउंटिंग का एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए तरीका क्या है, कम से कम इतना जरूर जान जाए आप लोग। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, उसके बाद 1, 1, 11 1, 2, 12 1, 3, 13 1, 4, 14 1, 5, 15 1, 6, 16 1, 7, 17 1, 8, 18 1, 9, 19 2, 0, 20
फिर कम से कम इतना जरूर जान जाए 3030, 4040, 5050, 6060, 7070, 8080, 9090, 10100, इसको हम 100 कहेंगे। अब हम काउंटिंग गिनने के लिए, अब काउंटिंग 1 से 100 तक गिनेंगे तो ये सब चीज बेसिक चीज होती है, आएगा ही आएगा। हम पहले ही कह दिए 20 तक तो आना ही चाहिए, फिर 21 हम लोग कहेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 26, 29, 30, 31, 31, इस प्रकार से हम काउंटिंग को करेंगे। अब हम लोग जानेंगे आगे टेबल, टेबल के लिए भी हम आप लोगों को बताए हैं कि 1 से 9 तक याद होना बहुत जरूरी है, ये कंठस्थ होनी चाहिए कम से कम 1 से 9। उसके बाद हम 100 तक का टेबल आप आसानी से लिख जाएंगे। अब आइए टेबल पर, काउंटिंग के बाद आएंगे हम लोग अब टेबल पर। तो टेबल के लिए हम शुरू में बताए हैं 1 2 9 टेबल दम कंठस्थ होनी चाहिए। कैसे लिखेंगे, राइट दिस बेस, राइट दिस बेस, या इसको बे कहें लिखने का तरीका, और रीड एंड वे, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, रीड एंड रीड दिस वे। ए राइट, अब हम 1 का टेबल न लिख के 2 का टेबल लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, इसका होता है 2, इसको हम बोलेंगे 2 वंस आर 2। टू मल्टीप्लाई 2 से करेंगे होता है 4। ये राइट लिखने का वे है, हम इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे कैसे, 2 2 आर 4, 2 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू 6, इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 थ्री आर 6, 2 मल्टीप्लाई 4 इजकल टू 8 होता है। ये राइट लिखने का तरीका, इसको हम पढ़ेंगे 2 फोर्स आर 8, 2 मल्टीप्लाई 5 इजकल टू 10, पढ़ने का तरीका 2 फिफ्थ, 2 फिफ्थ आर 10, 2 मल्टीप्लाई 6 इजकल टू 12, 2 6 आर 12, 2 मल्टीप्लाई 7 इजकल टू
फोर्टीन, टू सेवेंस आर फोर्टीन, टू मल्टीप्लाई एट इक्वल टू सिक्सटीन, टू एक्स आर सिक्सटीन, टू मल्टीप्लाई नाइन इक्वल टू एटीन, टू नाइन आर एटीन, टू मल्टीप्लाई टेन इक्वल टू ट्वेंटी, टू टेन्स आर ट्वेंटी। इस प्रकार से हम लोग टेबल को लिखेंगे। ये तो हम टू का लिख के बता दिए, और पढ़ने का तरीका टू लिखेंगे जब तो राइट बेस में ऐसे लिखेंगे, और उसको पढ़ेंगे तो टू वंस आर टू, टू टूस आर फोर, टू थ्री आर सिक्स, टू फोर आर एट, टू फिफ्थ आर टेन, टू सिक्स आर ट्वेल्व, टू सेवन आर फोर्टीन, टू एट्स आर सिक्सटीन, टू नाइन्स आर एटीन, टू टेन्स आर ट्वेंटी। और आप लोग इस प्रकार से कम नाइन तक का टेबल लिख लेंगे। नाइन को भी लिखेंगे तो इसको अब हम लिख रहे हैं फोर का, फोर फोर मल्टीप्लाई वन बराबर फोर, फोर टू पे एट, फोर मल्टीप्लाई थ्री ट्वेल्व, फोर मल्टीप्लाई फोर सिक्सटीन, फोर मल्टीप्लाई फाइव ट्वेंटी, फोर मल्टीप्लाई सिक्स ट्वेंटी फोर, फोर मल्टीप्लाई सिक्स ट्वेंटी एट, फोर मल्टीप्लाई एट थर्टी टू, फोर मल्टीप्लाई नाइन थर्टी सिक्स, फोर मल्टीप्लाई टेन फोर्टी। इसी प्रकार से इधर हम लोग क्या करेंगे भी बोलेंगे, पढ़ने का क्या तरीका है। यहाँ पर वन टू का टेबल लिखे थे टू होता था, यहाँ पर फोर का टेबल है फोर करेंगे, फोर वन सर फोर ना कि टू। फोर टू जार एट, फोर थ्री जार ट्वेल्व, फोर 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 सार सिक्सटीन, फोर फिफ्थ आर ट्वेंटी, फोर सिक्स्थ आर ट्वेंटी फोर, फोर सेवेंथ आर ट्वेंटी एट, फोर एट्स फोर एट्स आर थर्टी टू, फोर नाइन्स आर थर्टी सिक्स, फोर टेन्स आर फोर्टी।
इस प्रकार से अभी हमने जो बताया कि काउंटिंग में जो हमने पहले बताया उसको जानना बहुत जरूरी है। हम सारी चीज एक से सौ तक का लिख देंगे, टेबल भी उसी प्रकार से हम एक से सौ तक का लिखेंगे। हम इसके लिए एक ट्रिक बताएं, एक से नौ तक जितना टेबल आद हो जाएगा उसके बाद वह 11 से 100 तक का किस प्रकार से लिखेंगे मैं उसका भी ट्रिक बताने जा रहा हूं। हाँ, अभी हम लोग जान रहे थे मैथ फर्स्ट सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए दो चीजें भी देखिए, काउंटिंग काउंटिंग को ये लैग कंठस्थ हो जाना चाहिए। 1 से 20 तक हमको लिखने के लिए बोलने के लिए कम से कम टेबल में 1 से 9 तक का टेबल दम कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो और हम ट्रिक बताएंगे। इसके साथ साथ हमने जो भी कहा स्टैंडर्ड एसटीडी 128, ये स्टैंडर्ड 1 हो या 8, सभी को क्या पढ़ना होता है, नंबर। नंबर के बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए। एडिशन जोड़ने के लिए किस प्रकार से उसको ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्शन घटाओ उसको कैसे घटाएंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे गुना करेंगे, डिवीजन उसमें कैसे हम भाग देंगे, टाइम समय मनी मेजरमेंट स्पेस एंड शेप एंड स्पेस, शेप्स एंड स्पेस, जैसे कोई चीज का शेप किस प्रकार का शेप आकृति देती है ये हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग के लिए भी हम स्टैंडर्ड 1 से लेकर 8 तक जो चीज पढ़ेंगे उसकी डाटा कलेक्शन करने के लिए हम लोग सीखेंगे। जैसे एक ही क्लास में 40 बच्चे हैं तो उसमें कितने गर्ल्स कितने बॉय इसकी डाटा वो जो हम लोग सेपरेट करेंगे उसको कहा जाता है डाटा हैंडलिंग। इसको हम लोग विस्तार से बताएंगे जब शुरू करेंगे चैप्टर 1 बाय 1, उसमें जब भी आएंगे तो बताएंगे। हम भी ये बता रहे हैं कि आपको चैप्टर में इतनी सारी चीज पढ़ना ही होगा, लेंथ लंबाई वेट कैपेसिटी फ्रैक्शंस दशमलव प्रीमीटर्स एरिया एरिया में क्षेत्रफल प्रीमीटर में परिधि ये सारे चीज को हम डिटेल में बताएंगे। हम लोग 17 तक पढ़ चुके क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, 18 में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, 19 में वॉल्यूम, 20 में टेम्परेचर, 21 में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, 22 में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, 23 में क्यूब एंड क्यूब रूट्स, 24 में अलजेब्रिक इत्यादि। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो अभी हम आप लोग को बताएंगे कि कुछ चीज में जैसे अभी हम लोग टेबल का कुछ ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन उसमें भी कुछ ट्रिक बताएंगे कि बिना पेन और पेपर का हम लोग किस प्रकार से टेबल को लिखेंगे। तो अब हम लोग आते हैं देखते हैं कि किस प्रकार से टेबल को हम लोग बिना पेन और पेपर से भी लिख पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बताए थे लर्न टेबल, टेबल के लिए इसके पहले टेबल बताने जो आज हम लोग सीखेंगे एक ट्रिक वाली से विदाउट पेन एंड पेपर, बिना कलम का और पेन का। इसके लिए इसके पहले जैसा हम लोग प्लेस वैल्यू ऑफ सिस्टम जो भी अंक लिखा हुआ है उसको हम लोग जान जाएं कि प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 कि 3 का कहाँ पर आया, इसका प्लेस वैल्यू 1s पर है, 2 को कहाँ पर है 10s पर, 1 का वैल्यू है 100, यानी यहाँ पर हो गया 3 का मतलब यहाँ पर बराबर 3 × 1s बराबर यहाँ 3, इसकी वैल्यू कितना है 3 ही है। ये 2 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर बराबर हो गया 2 × 10s, इसका बराबर हो गया ये 20, ये 2 नहीं है ये कितने 20 है 20 है, ये 1 है इसकी प्लेस वैल्यू 100 पर है अर्थात 1 × 100
हंड्रेड, अर्थात इसकी वैल्यू होगी 100। तो हम लोग को रीड इसको कैसे करते हैं, हम लोग पढ़ते थे इकाई दहाई सैकड़ा, वंस टेंस हंड्रेड, मैंने रीड पढ़ने का होता है राइट टू लेफ्ट, राइट से पढ़ते हैं लेफ्ट की ओर। लेकिन ह्यूमन का ब्रेन करता है, जब भी कहता है पढ़ने के लिए कहता है यह लेफ्ट टू राइट, यह हम लोग का ब्रेन ही बोलता है वन टू थ्री, जब भी कुछ बोलेंगे तो लेफ्ट से राइट की ओर भाग जाएंगे वन टू थ्री। तो हम यहां पर जो टेबल लिखने जा रहे हैं इसमें हम लोग यूज करेंगे क्या चीज का, लेफ्ट टू राइट का प्रयोग करेंगे, ह्यूमन ब्रेन वाला लेफ्ट टू राइट का ही प्रयोग करेंगे, न कि जो रीड हम लोग मैथमेटिक्स में रीड करते हैं राइट टू लेफ्ट, जैसे वंस टेंस हंड्रेड, ये नहीं। हम लोग ह्यूमन, जो हम लोग का ह्यूमन का ब्रेन है जो रीड करता है लेफ्ट टू राइट से, एग्जाम्पल टेबल, तब हाँ हम लोग टेबल लिखने जा रहे हैं, जैसे 33 का टेबल, 33 फोर्ट्स जो कहते हैं, इसको क्या करेंगे हमारा ह्यूमन लेफ्ट से, या लेफ्ट में कितना 3, तो 4 × 3 तो यहाँ हो गया 12 लिखते हैं, 4 × 3 कितना होता है 12, तो 12 ये नहीं है, ये 120 है, 4 × 3 ये कितना हो गया 12 या 12, इसको जोड़ देंगे 120 12 हो गया 132, इसकी 132 हो गया। फिर अगर शुरू करते हैं ये क्या है लेफ्ट से, तो 9 × 3 से करेंगे तो 27, तो 27 नहीं ये टेंस में है, इस पे एक जीरो लिखेंगे। फिर 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, अब इसमें 270 में 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 297। ये आप लोगों को कंठस्थ रखना है, जैसे हम अभी पहले ही बताए थे 9 तक का टेबल, जैसे 8 का 7 बार में पढ़ेंगे 8 × 56, ये 56 नहीं 560, इसकी प्रेस वैल्यू हो गया 8 × 32, ये हो गया 32, ये हो जाएगा 592। इसी प्रकार से 47 × 49, 49 नहीं, इस पर एक सुना दे देंगे, 27 × 21, ये हो जाएगा, इसमें अगर जोड़ेंगे तो 511। इस प्रकार से हम बिना पेपर का टेबल, बिना पेन और कागज का भी टेबल लिख देंगे। अब हम आप लोग को टास्क दे देते हैं, कृपया 3 सेकंड में ही टेबल को लिखेंगे और हमें बताएंगे। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घर से एक टेबल को बनाने में मात्र 3 सेकंड ही लेंगे, कोशिश करेंगे बनाने के लिए। हम कुछ टास्क दे दिए हैं, 75 × 9, 75 का टेबल 9 बार में कितना आएगा, ये सब ये कॉमन बिना पेपर का ही अभी प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे ऐसे आप बहुत सारे लिख के प्रैक्टिस करेंगे ही और तो टेबल के बारे में पूरा कंफर्ट हो जाएंगे। अगला बार से ये हमारा यह बेस था, मैथमेटिक्स का बेस था, अब हम लोग यह मैथ का बेस कैसा लगा ये हमारे बताएंगे। और अगले बार से मैंने हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्लास का अलग से शुरू करेंगे, उसके लेसन के हिसाब से बुक का, जो आपका स्कूल में बुक चलता है उसी से, संभवतः नंबर से हम लोग तो मैंने अब अगले बार से हम लोग आपको क्लास बाय क्लास आपके बुक से ही पढ़ाएंगे, जिसमें संभवतः नंबर से ही शुरू होगा जो चैप्टर में आपको रहेंगे। जैसे हम आपको बता दें ये भी जो आपको लिखाए हैं 24 नंबर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस पर भी ध्यान देंगे और नंबर से ही शुरू, क्लास बाय क्लास हम चैप्टर शुरू करेंगे अगले बार वो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।